प्रिय छात्रों, जिन छात्रों की कक्षा 9वीं और 11वीं में सप्लीमेंट्री आई है तो उनका जिला स्तर पर एक्सीलेंस स्कूल में पेपर है, आप सभी जानते हैं। जब आप पेपर देने जाते हैं तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे आप सेंटर में पहुँचे तो सेंटर में पहुँचने पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना स्कूल देखना पड़ेगा। आपको अपना स्कूल देखना पड़ेगा, कौन से कक्ष क्रमांक में आपके स्कूल के सभी छात्र बैठे हैं। कक्ष क्रमांक 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरीके से लिस्ट लगी हुई है बाहर। इस तरीके से यहाँ पर एक कक्षा 11वीं की लिस्ट लगी हुई है कि 11वीं के इस कक्ष क्रमांक में इस स्कूल के छात्र बैठेंगे, ऐसी लिस्ट आपको सामने मिलेगी। अब आपको कक्षा 9th की लिस्ट दिखाते हैं। जैसे कि यह कक्ष क्रमांक 12 है तो 12 के सामने जितने स्कूल लिखे हैं इस कक्ष क्रमांक में वह स्कूल के छात्र बैठेंगे। इस तरीके से आपको वहाँ जा कर के अपना पता करना है। नहीं तो आज बहुत बच्चे परेशान हो रहे थे, पहले अंदर स्कूल में पहुंचकर बाहर वो बहुत परेशान होते रहे, इसलिए आपको ये जानकारी मैं देना चाहता था। धन्यवाद।